पानीपत के गांव कुराणा में मनचले युवक के प्रताड़ित किए जाने से परेशान 12वीं की छात्रा ने जहर खा लिया, जिसके बाद छात्रा की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के हवाले कर गांव के एक युवक मोहित के खिलाफ छेड़खानी, घर में घुसकर छेड़खानी, आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। लड़की गाँव कुराड़ की थी और अपने दादी जी के पास रहती थी गाँव में, ठीक है। उसका पापा हूँ मैं पानीपत रहता हूँ। लड़के ने एक दो बार उसको परेशान किया है और उस लड़के को पहले समझा दिया था, लेकिन वो लड़का नहीं माना। कल घर पे कोई था नहीं, एक सिर्फ उसके दादाजी थे, तो उसकी दादाजी कुरुक्षेत्र गई हुई थी नहाने के लिए ब्रह्म सरोवर में। तो लड़के ने अकेले शाम को रात को मौका देख के घर में एंट्री कर दी, घर में घुस गया वो गेट से। उसके बाद आस पड़ोस के लड़कों ने उसको देख लिया, उन्होंने आवाज़ लगाई तो वो लड़का वहाँ से दौड़ गया और छत से कूद के भाग गया। ये नरेंद्र सनोफ सूरजमल की लड़की थी जो गांव कुराड़ में रहते थे अपने दादा दादी के पास, जो रात को कल 24 तारीख को समय करीब 11 बजे एक मोहित नाम का लड़का इनके गांव का ही है जिमरो का, जो कि इनके घर में घुस गया। ये इज्जत बेइज्जती के कारण इसने जहर खा लिया, जहर खाने से अपने इसकी मौत हो गई है, जो मुकदमा नंबर 104 अंडर सेक्शन 306-452 12 पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसे आरोपी की गिरफ्तारी अभी पोस्टमार्टम के बाद अपना जैसे सूरत होगी ऐसी अमल में लाई जाएगी। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।